नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पीपल का एक ऐसा पौधा है जिसकी वजह से बहुत से चमत्कार शीघ्र ही हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है और वो पीपल में जल भी अर्पित करता है तो बहुत ही शीघ्र वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उन्हें उनकी दवाई से लाभ मिलने लग जाता है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, हमेशा कोई ना कोई तनाव बना ही रहता है, अगर ऐसी कोई भी समस्या है आपको तो आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चालू कर दें और दीप का दान कर दें। पीपल की परिक्रमा कर लेने माँ से समस्त समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान नारायण श्री हरि का साक्षात स्वरूप पीपल का वृक्ष ही माना गया है और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वयं यह बात कही है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जब हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री हरि के अलावा भी पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवता वास करते हैं और हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी दिव्य आत्मा भी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही जल्द चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। कारण केवल पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजन मास से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि अगर पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर कोई भी मंत्र जाप किया जाए, किसी भी मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाता है और बहुत ही शीघ्र मनोकामना को भी पूर्ण कर देता है। आप चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें या कोई भी पाठ करें या कोई भी मंत्र का जाप करना है और अगर आप पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की कामना को पूर्ण कर देता है। पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर अगर हम कोई अपने मन की बात कहते हैं तो उस समस्या का निवारण बहुत जल्द ही मिल जाता है। तो जब भी आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं तो सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करें और बाद में भगवान श्री हरि को प्रणाम करें, फिर हनुमान जी को प्रणाम करें। अगर आप शनिवार को गए हैं तो शनि देव को प्रणाम करें, उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और बाद में अपने पितरों को भी प्रणाम करें और उसके बाद अपनी मनोकामना को बोल दें। कहते हैं कि बोली गई मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगर आपको कोई समस्या भी है तो भी बोलने मात्र से ही आपको उस समस्या का निवारण मिल जाएगा। धन्यवाद।